पांडे जी सर। सर आप सिविल सूट फाइल करो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क ऑर्डर वाला है, अब आपको चाहे आर्बिट्रेशन में जाओ, ये पिटिशन कैसे मेंटेनेबल है? वो ब्लैक लिस्टिंग वाला रिलीफ लॉस कहाँ है? वो तो अलग पिटिशन हो गई है। अरे मुझे मालूम होगा, अलाउ होगी क्योंकि बिना नोटिस के हुआ होगा, उसको छोड़ो। से उसमें नोटिस हुआ, उसमें उनका रिप्लाई आया, इसके बाद दोनों को अरे भगवान जी, मैंने आपसे ये कहा कि आपको नोटिस दिए बगैर ब्लैक लिस्ट कर दिया होगा, इसलिए अलाउ हुई है वो। हाँ, बिना ऑर्डर पड़े हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। आप ये मत कीजिएगा कि पिटीशन में नोटिस हुआ था। आप ये बताइए कि आप कहते हैं जो हमने काम किया था उसका पैसा हमको, उसके लिए पिटीशन कैसे मेंशनेबल? उसके लिए लॉर्ड सर हमने रिप्रेजेंटेशन और नहीं, पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? रिप्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स है, पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? एक्चुअली लॉर्ड सर इन एवरी एक्शन इन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट्स विद द स्टेट हियर ठीक इज सर, आर्बिट्ररी एक्शन राइट सर। एंड दैट आर्बिट्ररी एक्शन सर कानून बताइए, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर देयर इज नो एनी डिस्प्यूट दैट दे आर नॉट पिटीशन क्यों मेंटेनेबल है सर? इफ देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। Actually, they are not saying that I have not. There is no cause of action. If there is no dispute, then there is no cause of action. Cause of action is only that they are not decided my the that is the cause of. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बस आप इतने कहते हैं कि वाह हमको मना कर दूं, ऐसा? नहीं लॉर्ड से हमारा ये कहना है कि हाँ हमारे जो हमने उनको जो नोटिस दिया है वो हमारा डिसाइड कर दें नहीं सर, आपको वो नहीं, डेफिनेटली अगर लॉर्ड से वो हमारा डिसाइड हमारे अगेंस्ट में करते हैं तो हम सिविल सूट में जाएंगे आप सिविल सूट में जाएंगे। लॉर्ड ठीक है सर, ठीक, मैं देख लेता सर, ये हमारा है लेकिन वो हमारा डिसाइड अगर अगर अगस्त में हमारे कर देते हैं तो मैं देख लेता सर। इसमें P14 एक पर हैं P14 थोड़ा सा C40। पी फोर अच्छा P14 हाँ, P14 इसमें दिया हुआ है कि ब्लैकलिस्ट क्यों किया था तो ऑर्डर रिक्वेस्ट हो गया वो क्या है, ब्लैक लिस्टिंग वाला हुआ है क्वेश, वो ऑर्डर रिक्वेस्ट ऑर्डर दिखाइए हाई कोर्ट का। ये लगा हुआ नेक्स्ट P15 में लगा P15। इन्होंने ये भी एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरे भाई, शांति। ठीक है सर, देख लेता हूँ सर। इनफैक्ट लॉर्ड सर ये दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अरे साहब नोटिस नहीं दिया था इसलिए क्वेश हुआ, कोई फाइंडिंग नहीं है। और वो भी झूठ लिखा था इसमें अरे भाई साहब, झूठ लिखा सच लिखा मैं नहीं जानता, ये आपके कह देने से दुनिया छुट्टी नहीं हो जाती सर। लॉर्ड सर दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, कुछ नहीं है। कहाँ है फाइंडिंग की ये झूठ लिखा है? कहाँ लिखा है सर फाइंडिंग है कि झूठ लिखा हुआ है इन्होंने? लॉर्ड सर इन्होंने इसमें लिखा ना, आप फाइंडिंग बताइए ना। आप हमें अगर परमिट करें तो हम इनका पढ़ दें नोटिस को। आप अपनी फाइंडिंग बताइए हमारे कोर्ट की, ये इसी पे डिसाइड हुआ। अरे ऑर्डर पढ़ के बता दे मेरे भाई, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं भी पढ़ोगे तो मैं क्या करूं यार। आपने कहा फाइंडिंग उन्होंने झूठ लिखा है, तो फाइंडिंग बता दो कहाँ लिखी है। नहीं अगर अगर फाइंडिंग लिखी होगी तो मेरा ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ तो भी आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं तो परमिशन मैं बताने के लिए तो परमिट करेंगे लॉर्ड सर, कम से कम अगर हम बोल, अगर आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे लॉर्ड सर तो मैं आपसे कह रहा हूँ मिस्टर काउंसिल, आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा कि हाई कोर्ट की फाइंडिंग है इन्होंने झूठ लिखा, तो बस उतना बता दो, मैं अभी स्टे कर देता हूँ, चिंता मत करिए। आपके फेवर की बात कर रहे हैं तो भी आप भड़क रहे हो, ना फेवर की बात करो तो भड़कना तो आपका जनसिद्ध अधिकार है। हमारी हिम्मत कहाँ लॉर्ड? अरे छोड़ो, अभी भी आप हमको सुना रहे हैं कि आप परमिट करोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोल पा रहा हूं। आपने मेरे से कहा कि उस ऑर्डर में ये फाइंडिंग है कि ये इन्होंने झूठ बोला है, अगर ये फाइंडिंग है मैं उस फाइंडिंग को रिलाई करके इन आपके आउट फेवर में तुरंत ऑर्डर कर दूंगा। बस इतना सा अनुरोध किया कि बता दो कहाँ है। आपके पक्ष में बोल रहा हूँ तो भी परेशान हो रहे हो। बोलिए, अब हम कुछ नहीं बोल रहे सर। नहीं सर सॉरी, आपको जो बोलना बोलिए। ये लॉर्ड से मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ अनेक्जर P14 को जो अभी मैडम ने दिखाया, इसमें उन्होंने लिखा लॉर्ड से मैं काइंडली सी ये सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ की हम यहाँ से पढ़ें लाइन यही से पढ़ देते हैं। वन परिक्षेत्राधिकारी पबई द्वारा पत्र क्रमांक 2100 दिनांक 2100 के माध्यम से उक्त निविदाकार द्वारा आदेशित मात्रा 2100 के नग पोल्स के स्थान पर केवल इतने फोर प्रदान किए गए कि सूचना प्रेषित की गई जिसके तारतम्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2100 के द्वारा दिनांक इतने इतने के पूर्व वृक्षारोपण क्षेत्रों में आदेशित सामग्री की शेष मात्रा प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया जाकर निर्धारित समय अवधि में RCC पोल्स प्रदाय नहीं किए जाने की जमा प्रतिभूति राशि शासन पक्ष में राजसात कर काली सूची में दर्ज किए जाने कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। लॉर्डशिप दिस हैज बीन नोटेड इन देयर नोटिस, दिस वॉज द ऑर्डर।
एंड बिकॉज ऑफ ओनली दिस नोटिंग आई हैव नॉट बीन ऑब्टेंड स्टे फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट बिकॉज द लॉर्डशिप वॉज कंफ्यूज एट दैट टाइम कि दैट नोटिसेस हैज बीन सो कॉज नोटिसेस हैज बीन इशूड टू यू नाउ दे फाइल द फाइनल रिप्लाई एंड एट द फाइनल रिप्लाई द लॉर्डशिप फाउंड दैट देयर वॉज नो एनी नोटिस हैज बीन इशूड टू द पिटिशनर एंड देन ओनली लॉर्डशिप दिस ब्लैक लिस्ट ऑर्डर हैज बीन क्वेस्ट एंड दे हैव ऑल्सो गिवन द लिबर्टी to raise the action and by giving the opportunity of hearing even the last paragraph Lord sir may kindly see this is the finding direct and indirect way matlab inka ye order tha impugn order ye lordship ka order ji aur kuch Lord sir ye hame batana tha ki ye actually hamare upar bias hai iske baad humne inko lordship ek notice diya legal ki hamara ye paisa hai annexure p 60 That is still pending and neither they replied and nor they released the amount or nor they are saying that you are not entitled to this amount. Not good, sir. Not sir. So, I withdraw with the liberty to file the civil suit against the... This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. By liberty to file a civil suit for recovery of the amount as claimed by the petition. With enforced liberty, the petition is dismissed as well. अब अगर मुझे अनुमति हो तो कुछ बोलूं? Lords. Lords. He is always here to. नहीं 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 है sir. Judgments Lords. नहीं है sir. Permission भी देनी मने sir. To stay the execution of the impugn order so far as it relates to blacklisting. ये आप लोग का था एनी हाउ जो भी है अब विड्रॉ हो गई नंबर 12 श्री विद्या प्रसाद पास हो